गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, आज हम बातचीत करेंगे इफेक्टिव टीचिंग की, कि हमारे टीचिंग को इफेक्टिव हम लोग कैसे बनाएं। इफेक्टिव टीचिंग में अभी हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, या जो पहला सबसे टॉपिक हमारा रहेगा, वो रहेगा 3-1 मेथड आप समराइजिंग, या 3-1 स्ट्रेटजी आप इवेल्यूएशन। अब ये क्या है, उसके पहले हम लोग एक बात ये करते हैं कि हम लोग जो टीचिंग है या टीचिंग की जो प्रोसेस है उससे हम क्या समझते हैं। पहली बात, यदि हम टीचिंग में हम तीन चीज़ें मेनली कर रहे हैं या तीन चीज़ें हो रही है। पहली चीज़ है इनपुट, इट मीन्स ये कि जो भी आपके पास कंटेंट है आपने उसको प्रेजेंट किया, आपने उसके बारे में लेक्चर दिया, आपने समझाया, लिखा, कुछ दिखाया, पढ़ाया, ये सब इनपुट का हिस्सा हो गया। जो भी आपके हैंड से, टीचर के हैंड से जो भी चीज़ें आप, जो आप पर डिपेंड करती मोस्टली, वो है जो टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू जो है डिपेंड करती है, मैं टीचर लिखना चाहिए था, इनपुट हो गया। फिर वही बात जब बच्चों को आपने बताई है, फिर वही बात डिस्कस हो रही है, उसी बात पर आप होमवर्क दे रहे हैं, उसी बात पर आप लिख रहे हैं, उसी बात पर जो है आप डिफरेंट तरीके से उस बात को जो है आप समझा रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं, या आपके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, वो प्रोसेस हो गई। और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का अचीवमेंट क्या रहा, स्टूडेंट ने क्या गेन किया, मतलब ये जो है स्टूडेंट सेंटर बात हो रही है कि स्टूडेंट ने अल्टीमेटली उसका अचीवमेंट क्या रहा, अल्टीमेटली उसने उस लेसन से या उस टाइम ड्यूरेशन में क्या सीखा, वो ही मतलब ये यहाँ पर जाकर बोले, क्योंकि टीचिंग की जो हमारी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो रही है। अब बात ऐसा है कि साल भर हम इनपुट देते रहते हैं, प्रोसेस होता रहता है, साल भर आउटपुट प्रोड्यूस होता रहता है। हम साल के एंड में या 6 महीने में या 3 महीने में हम लोग एग्ज़ाम लेते रहते हैं, एग्ज़ाम में हमें पता चलता रहता है कि बच्चे का परफॉर्मेंस क्या है। पर लेकिन क्या हम डे टू डे जो टीचिंग हम लोग करते हैं, डे टू डे हम लोग जो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते वक्त हम लोग ये काम नहीं करना पड़ता, या हम नहीं करते हैं क्या कि वो बच्चे ने, हमने जो पढ़ाया है, आज एक लेसन पढ़ाया हमने 30-40 मिनट हमने जो दिए हैं, तो उसमें उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये हम लोग ज़रूर चेक करते हैं, क्योंकि जो हमने बताया है उसका आउटकम क्या निकला, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है आप, हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या जो है कल पढ़ाया था वो आज थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, मतलब हम कोई रेंडम तरीके अपनाते हैं। उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अपनाएं, तो वो स्ट्रेटजी का मैं आपको एक स्ट्रेटजी दे रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी का नाम है 3-1 स्ट्रेटजी। क्या नाम है? क्या नाम है? 3-1 स्ट्रेटजी। कौन सी स्ट्रेटजी? अब 3-1 स्ट्रेटजी है क्या, आपने पहले कभी देखा तो ठीक है। 3-1 स्ट्रेटजी का मतलब ये हुआ कि जैसे आपने कोई लेसन पढ़ाया है, उसके लास्ट के 10 मिनट आप इस बात के लिए दे दो कि बच्चों को पहले राइटिंग में करना, पहले लिखना है, पहले क्या लिखना है, पहला स्टेप, तीन चीज़ें जो उन्होंने सीखी है। आप कुछ भी चीज़ें पढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो बच्चे सीखेंगे ही सही। अब बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती है, तो उसमें से क्या तीन नई चीज़ें जो है आज उन्होंने, या क्या तीन चीज़ें जो है उन्होंने लर्न की है, तीन नई चीज़ें क्या उन्होंने लर्न की है या क्या उन्होंने सीखी है, तीन कौन सी चीज़ें आज आपके लेसन से वो सीखे हैं। आपने कोई भी टॉपिक लिया हुआ, मुझे कुछ बातें तो मिस हो ही जाती है, हम भी यदि आप आज जैसे आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं तो अल्टीमेटली आपको सब कुछ याद नहीं रहेगा, आपको जो है कुछ चीज़ें ही याद रहेगी। तो तीन चीज़ें क्या सीखी, नंबर दो, ये पहला स्टेप थी। सेकंड है टू, कोई भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट, या फिर इसको आप ऐसा करते कर सकते हैं कोई भी दो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड। आप एक काम करते, दो हम ऐसा ले दे, तो कोई भी दो इंटरेस्टिंग फैक्ट, कोई भी दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो उनको उसमें पसंद आई हो, जो डे टू डे यूज में आती हो, या वो टॉपिक से रिलेटेड कोई तो ऐसी चीज़ होगी जो उनको पसंद आई हो, तो दो इंटरेस्टिंग फैक्ट या दो इंटरेस्टिंग चीज़ें जो उन्होंने लाइक की हो, जो बच्चों को बड़ी पसंद आई हो कि हाँ सर आपने इसमें ये बताया था और ये बड़ा मज़ेदार आ गया, या ये चीज़ अच्छी लगी, या इसमें कोई भी
कोई भी वो पॉइंट, तो वो उसको लिखना है। फिर तीसरी स्टेप है एक क्वेश्चन जो अभी भी उनके दिमाग में रह गया है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो अभी भी उनके दिमाग में रह गया है उस उनके दिमाग में। तो 3, 2, 1 यानी कि पहली 3 क्या है, तीन चीज़ें जो उन्होंने आज सीखी है, क्या लिखना है, तीन चीज़ें जो आज सीखी है। फिर 2 कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट या 2 चीज़ें जो उन्होंने लाइक की हो, और फिर 1 क्वेश्चन। आप इसको थोड़ा बदल भी सकते हैं, 2 क्वेश्चन लिखवा लो और 1 फैक्ट। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे फैक्ट पता चलते हैं, तो वहाँ फैक्ट जानना ज़्यादा आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने, आप इंडिया के बारे में बता रहे हैं, आपने भारत के नक्शे के बारे में बताया, अब भारत के बारे में आपने बताया इंडिया, तो उसमें आपने ऑब्वियस सी बात है किसी देश के किसी कंट्री के बारे में बता रहे हैं तो बहुत सारे फैक्ट आएंगे कि पॉपुलेशन कितनी है भाई साहब, 1.5 जो है 150 करोड़ के आसपास हो गई है, इकोनॉमी की अभी कौन से लेवल पर है तो बोले साहब 3rd नंबर पर है, कितनी GDP है तो बोले GDP जो है साहब वो 3 trillion के आसपास हो गई है। फिर बोले कि साहब आसपास के देश कौन कौन से हैं, तो बोले आसपास 9 देश हैं, म्यांमार, भूटान है ना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और क्या बच गया, अफगानिस्तान है ना, बांग्लादेश भी बच गया, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्ट आएंगे, तो बेसिक बात है इस टाइप का टॉपिक है तो ज़्यादा फैक्ट है तो ज़्यादा फैक्ट दे दिए, इसी में वो चाहे तो 2 क्वेश्चन बना ले। तो इससे होगा क्या कि वो सभी बच्चे उस टॉपिक को रिकॉल करेंगे, जिससे कि उनको वो क्वेश्चन जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया है, जो लेसन आपका था, वो लेसन समराइज भी हो जाएगा और बच्चे को जो है रिकॉल भी हो जाएगा। और इसकी एक स्पेसिफिक ट्रिक भी होगी, स्पेसिफिक जरिया होगा जो बच्चों को हमेशा के लिए जो है वो उनके दिमाग में रहेगा कि हमें लास्ट में 3 चीज़ें क्या चाहिएगी। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप जो है यूजुअली आपकी क्लास में 3-3 लाइनें तो होती ही है, एक लाइन को बोलो, यदि कम टाइम में इसको करना है तो एक लाइन को बोलना है कि 3 चीज़ें क्या सीखी वो लिखो, एक लाइन जो है वो 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है अच्छे लगे आपको वो लिखो, और एक लाइन को जो है एक क्वेश्चन लिखना है जो अभी भी उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो 3 चीज़ें लिखेंगे, फिर यदि आप एक एक दोस्त से किसी से पूछ भी लिया तो भी जो है आपकी चीज़ें बेहतर तरीके से हो जाएगी। अब आप इसमें एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, आप उसमें जो है कार्ड ऐड कर लीजिए, जिस बच्चे ने बेहतर जवाब दिया उसको कार्ड दीजिए। ये जो है आपकी क्लासरूम में प्रैक्टिस के तौर पर जब आ जाएगा तो बच्चे का अटेंशन जो है क्लासरूम अटेंशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब क्लासरूम अटेंशन ज़्यादा बढ़ेगा, यदि वो क्लासरूम में एक्टिवनेस उसकी बढ़ जाएगी, इट मीन जो है हमारी टीचिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, और ज़्यादा इफेक्टिव होगी तो बेसिक बात है हमें ज़्यादा इफेक्टिव आउटकम मिलेगा। देखिए बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो होते सर पे हैं या आँखों में हैं, और उनका बटन जो है यहाँ होता है डूठी में, है ना। इसी टाइप से यदि हम बात करें कि बच्चा पढ़ना तो शुरुआत यहाँ से कर रहा है या पढ़ जा रहा है, लेकिन उसका जो स्विच पॉइंट है ना वो यहाँ पर है, इस चीज़ को ध्यान में रख करके वो कर रहा है ना, एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके, वो कोई सी भी एग्ज़ाम, वो ईयर फाइनल एग्ज़ाम हो या क्वार्टरली एग्ज़ाम हो, उसके दिमाग में ये चीज़ है। तो हम भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि हम शुरुआत से चलेंगे तो शायद हम ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा एक्टिव वे में हम लोग चल सकते हैं। अभी जैसे हम लोग जो इसकी बात कर रहे हैं 3, 2, 1, ये मेनली इस बात को चेक करने के लिए ही है कि हमने जो आज क्लास ली है एक दिन की क्लास का हमारा आउटकम क्या रहा। आई होप कि 3, 2, 1 स्ट्रेटजी क्या आपको क्लियर है, आप बोलिए क्लियर है आपको, वेरी गुड। तो 3, 2, 1 स्ट्रेटजी का हम लोग अभी जो है एक प्रैक्टिकल करेंगे। आप अभी जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसमें से आपने 3 चीज़ें क्या सीखी है ना, आप लोग लिखेंगे यहाँ से इधर वाले, आप लोग लिखें या मुझे बताना है आपको 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट और आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक। आपके लिए 5 मिनट का टाइम है, ये स्टार्ट हुआ अभी।
उससे जुड़ी हुई चीज भी बता सकते हैं, एग्जैक्ट वहीं जाना जरूरी नहीं है। अपनी कॉपी में जल्दी से लिखो, लिखना पड़ेगा आपको, सभी को लिखना है। जो बिना कॉपी किताब के बैठे हैं वो लेकर के लिखें किसी से। दो मिनट के लिए पोज कर दो सर, जिसके पास सर उस जो भी टॉपिक है उस पे नेगेटिव चीजें हो या पॉजिटिव हो, कोई तीन वर्ड बताओ जो अभी आपको डिस्कशन में मिले हो। सर क्लास में बच्चों को इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और लर्निंग स्किल्स। सर लर्निंग स्किल्स, हाँ। और सर वो मतलब उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्लियर हो जाए, ओके, वेरी गुड। क्लियर फॉर हर, इनको मिलता है प्लस टेन का कार्ड। चलो बैठ जाओ आप। अब आपको बताना थे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट, तो दो फैक्ट, दो कोई भी फैक्ट बता दीजिए। फैक्ट समझते हैं ना, कोई आंकड़ा या कोई ऐसी बात जो इंटरेस्टिंग लगे। कौन जवाब देना चाहता है पहले बताओ। हाँ वो गलत होगा अलग बात है, चलो बताओ आप बताओ। उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य करना, उद्देश्य को ध्यान में रख के कार्य करना, वेरी गुड। और हर टाइम पीरियड में बच्चों से क्वेश्चन करना जरूरी है, मतलब आफ्टर लेसन लास्ट के 10 मिनट में क्वेश्चन करना जरूरी है, लास्ट के 10 मिनट क्वेश्चन करना चाहिए। नेक्स्ट, और बच्चों को भी, हाँ, दो ही फैक्ट बताना था, वेरी गुड। क्लेम फॉर हर उषा मैडम, वेरी गुड। एंड क्लेम फॉर कविता मैडम, रवीना, वेरी गुड। अब आप लोगों से क्वेश्चन था कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है, आप में से किसने लिखा है? लिखा जो पहले हैंड रेज करेगा उसको मौका मिलेगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है आपका? व्हाट इज थ्री स्ट्रेटजी, व्हाट इज थ्री स्ट्रेटजी, मतलब क्वेश्चन क्लियर नहीं आपका। थ्री स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी तो एक ही है, स्ट्रेटजी नहीं। चलिए बैठिए आप, चलिए आप बताओ। सर व्हाट इज अवर मेन मोटिव टू टीच द स्टूडेंट्स, व्हाट इज अवर मेन मोटिव टू टीच द स्टूडेंट्स। अभी जो मैंने पढ़ाया उस बात से, या अभी जो मैं बात कर रहा हूँ उससे इसका क्या लेना है? नहीं, क्वेश्चन जो है ना, ये अगर हम बच्चों से पूछते हैं तो वो हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा मेन मोटिव क्या है, आउटकम पे हमको फोकस रख के जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मतलब ये क्वेश्चन हमको क्लियर होना चाहिए कि हमारा मोटिव क्या है जो हम बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है ये हमको क्लियर होना चाहिए, होना चाहिए। हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं? नहीं तो ये सवाल थोड़ी हुआ, ये तो आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। सवाल है कोई? सवाल है, हाँ बोलिए। प्रोसेस भी हुआ, बट अगर मान लीजिए आउटपुट में चार या पांच बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं समझ में आया तो क्या करेंगे? जो नहीं समझ आते करेंगे, ये सवाल है, वेरी गुड। चलो ठीक है।